गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स 10th बायोलॉजी क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल। मीन्स आपको पता है रेस्पिरेशन का मीनिंग, ठीक है? मीन्स इसमें मेन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और फूड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हम इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। एंड आउटटेक क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन देखो टू टाइप्स की है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफियर, दैट इज ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि एरोबिक में क्या है? जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, फूड की जो ऑक्सीडेशन होगी स्टूडेंट्स, वो किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तभी इसको क्या नाम दिया गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होती है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी। आगे है एनारोबिक, द टाइम ऑफ द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर, दैट इज ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। ओके स्टूडेंट, एनारोबिक में क्या आ जाएगा? इस टाइप में रेस्पिरेशन में क्या आ जाएगा? जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है वो कब होती है? इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखो ये पाथवेज है, द डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन आर शोन एज फॉलो। देखो पाथवेज देखे हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है। इन साइटोप्लाज्म क्या बना? पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन किसमें? एग्जांपल ईस्ट हो गया, इथानोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से इन द ह्यूमन मसल से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देखो प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आपको बोलेगा हमें तीन पार्ट में करें, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंट होना और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना। जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो स्टूडेंट क्या बनेगा? इथानोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया? एग्जांपल्स भी मेंशन है। देखो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ईस्ट हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? मसल सेल हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गई ये पाथवेज? आगे देखिए, अब हम पढ़े ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स बिगिन फ्रॉम अ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। मींस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? नॉस्ट्रिल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिगिन फ्रॉम अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, द एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल एंड रीचेस इनटू नेजल कैविटीज। जो हमारा एयर है, आप सुन रहे स्टूडेंट, जो एयर है वो कहाँ पे एंटर करता है? नोस्टिल्स में। और कहाँ पहुंच जाता है वो? यहाँ से एंटर करा और वो कहाँ पहुंच गया? इनटू नेजल कैविटीज। क्लियर? द वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी हैज द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम व्हिच एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ स्मेल। जो वॉल है नेजल कैविटी की स्टूडेंट, वो कैसे काम करती है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहां पे, और जो किसकी तरह काम करती है? ऑर्गन ऑफ स्मेल। मींस कोई भी स्मेल आएगी तो उसको पता लग जाएगा, ठीक है? स्मेल हम सूंघते थे ना नाक से। आपको क्लियर हो गया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स बिगिंस
फ्रॉम अ पेयर ऑफ द नोस्टिल्स. पेयर ऑफ नोस्टिल से एयर कहाँ पे इंटर करती है? थ्रू द नोस्ट्रिल. और कहाँ पहुंच जाते हैं? नेजल कैविटीज में. द वॉल ऑफ द नेजल कैविटी ऑलफैक्टरी, जो नेजल कैविटी के पास है ऑलफैक्टरी एपिथेलियम है जो कि बिहेव करता है ऑर्गन ऑफ द. आपको डायग्राम बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट्स. मैं आपको एक बार जस्ट पार्ट बता दूं पहले कौन कौन से आ जाएंगे. देखो नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, लंग, ब्रोंकियाई एंड द एल्वियोलाई. ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था. अभी मैंने आपको फेरिंग्स भी दिखाया था. देखो क्या होते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स प्रोवाइड पासेज फॉर द एयर. जो फेरिंग्स है वो क्या देता है? पासेज मींस रास्ता देता है, ठीक है, एयर को इनटू ट्रेकिया टूवर्ड्स द. ट्रेकिया में जाने के लिए लाइक अपर्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस. द ग्लॉटिस ऑलवेज रिमेन्स ओपन, हमेशा खुला रहता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलिंग. मीन्स जब खुला रहता है और बस जब हम स्वेलो करते हैं वही चीज उसको छोड़ के. द ग्लॉटिस बियर्स अ लीफ लाइक कार्टेज फ्लैप्स है जिसे हम बोलते हैं एपी ग्लॉटिस. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया. जो ग्लॉटिस है वो हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज ओपन रहता है. बट जब हम कोई चीज को स्वेलो करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बंद होता है. वो ग्लॉटिस में क्या होता है? लीफ लाइक कार्टिलेज फ्लैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपी ग्लॉटिस. एट इट्स इंटीरियर एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. हम जब खाना खाते हैं कि जो खाना है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना निकल जाए उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करता है. कौन प्रिवेंट करता है? एपी ग्लॉटिस. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.